सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुरुवेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भैया पहले पोल की, जहाँ पे कल मैं आपसे बात कर रहा था ड्यूअल सिम वाले आईफोन के बारे में। तो आप में से 58% बोलते हैं भैया आएगा सपने में और बाकी बोलते हैं भैया आ जाएगा। अभी सपने भी कभी कभी घर सच हो ही जाते हैं दोस्तों। ऐसे में आज का सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं किसी मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री में जाके कि भैया फ़ोन्स वाकई में कैसे बनते हैं शुरुआत से लेके एंड तक, कैसे उनकी टेस्टिंग होती है, कैसे होती है उनकी पैकेजिंग, और यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके लगभग एक फेवरेट फ़ोन ब्रांड की, तो क्या आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे, हाँ या ना दोस्तों? क्या रहती है आपकी राय बताना ऊपर दिए गए पोल में, और इसी बात पर एक स्पेशल लाइक तो बनता है। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है भैया इंग्लैंड की तरफ से, जहां पर दोस्तों शुरू हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म, जहां पर दोस्तों करीब करीब कैपेसिटी इतनी है कि 6 लाख घरों का दोस्तों काम चल सकता है। यहां पर जो कैपेसिटी है वो है 659 मेगावाट की, और यहां पर दोस्तों टोटल है करीब 87 विंड टर्बाइंस। तो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि भैया पानी के अंदर चल रही है आपकी पवन चक्की। तो ऐसे में इंडिया में भी दोस्तों काफी अच्छे से काम हो रहा है सोलर एनर्जी के लिए, एनर्जी को लेके, तो आगे चल के फ्यूचर यही है भाई, जमीन से कोयला एक नहीं दिन तो खैर खत्म हो ही जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेके, जो हमको ये बताती है कि भैया ट्राई जो है वो कुछ नया काम यहाँ पे करने वाला है, जिसके बाद में इंडिया में अगर आप बदलना चाहते हैं अपना सिम कार्ड प्रोवाइडर, भैया आप जाते हैं एयरटेल से जियो या जियो से वोडाफोन, तो वो काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों यहाँ पे इसकी प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे ट्राई क्या चेंजेस लेके आता है। मतलब बेस्ट तो रहेगा ना वो सिम आने के ऊपर, कि मतलब ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। अभी तो क्या होता है, एक ब्रांड आपको ऐसे जकड़ के बैठा है कि अगर आप बात कर लो भैया जाने की तो वो आपको जाने ही ना दे। तो ये है फिलहाल हिसाब किताब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे बहुत ही कमाल गुड न्यूज, और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है भैया बेंगलुरु के एयरपोर्ट की, जहां पे कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि 2019 से शायद हम फेशियल स्कैनिंग जो है वो काम में लेंगे भैया बोर्डिंग पास वगैरह प्रिंट करने के बजाय। तो मतलब काफी कमाल बात है। अब दोस्तों हमें जो न्यूज है वो सुनते थे कि भैया यूएस में इस एयरपोर्ट में ऐसा हो रहा है, न्यूजीलैंड में ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी दोस्तों हमारे अपने इंडिया में ही यहां पे जो एयरपोर्ट दोस्तों है बेंगलुरु में, उसमें होने ये वाला है कि भैया फेस आईडी जो है वही होगी आपकी पहचान, आप निकलते जाओ रास्ते कंप्लीट करते जाओ और पहुंच जाओ जाके बैठ जाओ अपनी फ्लाइट में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे गूगल पिक्सल के लॉन्च इवेंट को लेके, और यहां पे दोस्तों ये एक इनवाइट की फोटो लीक हो गई है भैया, हो गई है डेट कंफर्म जो कि है 9 अक्टूबर। लिखा है आई लव न्यूयॉर्क, दोस्तों यहां पे न्यूयॉर्क में होने वाला है इवेंट, और लगता यही है कि भैया गूगल लॉन्च करेगा पिक्सल 3 XL वगैरह, उसके अलावा शायद और कुछ चीजें। हालांकि इनवाइट मेरे पास में भी आ गया है, लीक मैंने नहीं किया है, लीक कहीं और से हुआ है। तो देखते हैं जब मैं जाता हूं न्यूयॉर्क तो क्या रहता है कमाल इसी पिक्सल फोन के लॉन्च को लेकर। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे नोकिया 9 को लेके, मतलब अभी दोस्तों आपसे बात कर रहा था उस दिन की 5 कैमरे वाला फोन आ सकता है, और यहां पे इसकी लाइव फोटो भी लीक हो गई है। 4 कैमरास नीचे हैं, 1 कैमरा ऊपर है, एक तरफ एलईडी फ्लैश लगता है, दूसरी तरफ होगा कुछ आपके लिए लेजर ऑटो फोकस वगैरह का सिस्टम। तो यहाँ पे मतलब भैया पीछे छेद ही छेद है कि मतलब इतने छेद कर दिए कि समझ नहीं आ रहा कि भैया मतलब फोटो कहाँ से ले और वीडियो कहाँ से बनाए। तो यहाँ पे ये फोन, इसका एक कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, सामने फोन भी आ चुका है, तो लगता है कि मतलब बस बहुत जल्द ही आ रहा है। देखने में ना वैसे वो रिवॉल्वर जैसी लग रही है कि मतलब गोलियां डालो चारों तरफ 6 और बाद में चक्री घुमाओ, पता नहीं मतलब क्या कॉन्सेप्ट है नोकिया के इस नोकिया 9 का। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे आप पबजी गेमर्स के लिए काफी कमाल गुड न्यूज। अगर भैया आप इस गेम में एक्सपर्ट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं भैया इस गेम में जीतने के बाद में कुछ कैश प्राइज वगैरह, तो यहाँ पर दोस्तों लेके आ गया है PUBG इंडिया में मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप 2018। आप दोस्तों आ सकते हैं वेबसाइट pubgmobile.in के ऊपर, जहां पर मिल जाएंगी सारी सारी डिटेल्स, कैसे रजिस्टर करना है, क्या प्राइजेस होंगे, क्या है यहां पे चैंपियनशिप का हिसाब किताब। तो उसके बाद में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कुछ पैसा कमा सकते हैं, जीत सकते हैं इस PUBG मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे इंडिया के नाविक GPS सिस्टम को लेकर, और यहां पे इसरो ये बोलता है कि ये दोस्तों भी मदद करने वाला है मछुआरों की, उनको ये बताने
के लिए कि भैया जो मौसम वगैरह है वो कैसा रहेगा, कोई डिजास्टर तो नहीं आने वाला है, और बाकी दूसरों कोस्टल बाउंड्रीज है भैया कहाँ तक है, वरना कई बार ऐसा होता है कि मछुआरे वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स वगैरह पहुंच जाते हैं, तो उसको कंप्लीट दोस्तों सेफगार्ड करने के लिए जो इसरो है वो मदद करने वाला है मछुआरों की नेविक सिस्टम के जरिए। तो काफी अच्छी बात है कि हमको जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। देखते हैं आगे चल के नेविक और क्या क्या काम कर पाता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे iPhone XS Max को लेके, और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है भैया फोन की कि जो केसेस हैं वो आप दोस्तों देख सकते हैं साइड में कि जो एग्जिस्टिंग iPhone 10 है उसके कंपैरिजन में साइज बड़ा है इन केसेस का, यानी कि भैया मतलब बड़े वाले iPhones कंफर्म हैं, मालूम ही है अगर कंफर्म है। देखते हैं क्या करता है एप्पल यहाँ पे 12 सितंबर को, कुछ कुछ तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से, फिर फोन आ जाएगा मार्केट में 22-23-24 तारीख के आसपास, तभी आपके लिए फिर अनबॉक्सिंग भी आ जाएगी। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल प्ले को लेकर, और यहाँ पे बात हो रही है भैया प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक नया सिस्टम आने वाला है शायद वोटिंग वगैरह के लिए, और बाकी जो ऐप सबसे पूछती है परमिशंस वगैरह वो भी थोड़ा सा लेआउट चेंज होने वाला है। तो मतलब जो गूगल प्ले स्टोर है वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स शायद देखने को मिल सकते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं या जो भी चीज़ें हैं। देखते हैं कि गूगल क्या करता है अपने इसी नए अपने गूगल प्ले में। दूसरा अगला सीन निकल के आता है वो है भैया मुफ्त का डेटा 16 GB। मिस्टर मुकेश अंबानी की तरफ से दोस्तों यहां पे अभी हो गए हैं जियो को 2 पूरे साल, तो इसी खुशी में भैया सभी कस्टमर्स को 16 GB का मिल रहा है मुफ्त डेटा। 8 GB आपको मिल जाएगा सितंबर के महीने में, 8 GB आपको मिल जाएगा अक्टूबर के महीने में, और यहां पर दोस्तों आप जाके चेक कर सकते हैं माई जियो ऐप में कि आपको जो मुफ्त का डेटा है भैया वो मिल ही जाएगा 8 GB ऐसे इस महीने के लिए, 8 GB अगले महीने के लिए। जियो की माया है, मतलब लेते चलो फ्री डेटा को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 को लेके, रिपोर्ट्स बोलते हैं कि भैया इसका एक और वर्जन होने वाला है जो होगा 5G के लिए, मतलब जो स्टैंडर्ड फोन आएगा वो 5G वाला नहीं होगा, लेकिन एक अलग से वर्जन आ जाएगा भैया जिसको यूज करना है 5G, या जहां जहां पे 5G अवेलेबल हो गया है, जिसको एक्स्ट्रा पैसे देके बेसिकली 5G खरीदना है वो खरीद सकता है, और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्शन है वो होगा काफी लिमिटेड, लेकिन फिर भी इसका मतलब सैमसंग भी आ गया भैया 5G में। देखते हैं वो पहला कौन सा कमर्शियल फोन होता है जो आता है 5G टेक्नोलॉजी के साथ। अगला सीन निकलता है यहाँ पे हमारे पास में वो है इंडिया में ऑटोमेटिक फार्मिंग को लेके, और यहाँ पे दोस्तों एस्कॉर्ट्स जो है वो अभी लेके आ गया भैया अपना एक नया कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बात हो रही है सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर की। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑटोमेटेड ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट है ये मतलब समझ लो कि खेत में अगर ट्रैक्टर अपने आप चल रहा है, सारे काम अपने आप कर रहा है, तो बात भैया वही हो गई है कि ट्रैक्टर जो है वो हो गया है सेल्फ ड्राइविंग कुछ टेक्नोलॉजी वाला। तो देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, और सोचो अगर इंडिया में सब कुछ हो जाए तो कितने अच्छे तरीके से शायद हम फसलें और उगा पाएंगे, जहां पे अगर हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते तो मशीन है इसको तो बस एक बार ऑन कर दो काम करती रहेगी। तो ये है दोस्तों बात अभी फिलहाल के लिए ऑटोमेटेड फार्मिंग की। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi के Mi 8 Youth Edition को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ये भी थोड़ा सा हो गया है लीक, जहाँ पे आपको 19:9 का इस पर ट्रेशोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 710 वाला आपको मिल रहा है प्रोसेसर, ये बेसिकली वही Mi 8 SE का ही शायद अलग नाम है Mi 8 Youth। इंडिया में तो पता नहीं क्या आएगा कि नहीं आएगा, या जो भी है कहाँ आएगा कैसे आएगा मालूम नहीं है, और बस यही है Mi 8 Youth की कहानी। बाकी दोस्तों मेरे पास में फिलहाल आ चुका है Mi 8 का एक्सप्लोरर एडिशन, जिसमें पीछे की तरफ को मिलता है ट्रांसपेरेंट बैक पैनल, कोशिश करूंगा उसका वीडियो आपके लिए शायद थोड़ा जल्दी ही आ जाए। और दोस्तों फाइनल अपडेट निकल के आता है नोकिया कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, अभी देखते हैं भैया नोकिया 9 कब लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे जो नोकिया X7 है वो थोड़ा सा टीज सा हो गया है, मतलब नोकिया अभी एक इवेंट लेके आने वाला है भैया बहुत ही जल्दी ताइवान में, तो टीज कर दिया है कि भैया शायद नोकिया X7 लॉन्च कर देगा इस इवेंट में। इंडिया में किस नाम से आएगा फिर वो, नोकिया 7.1 प्लस या जो भी होगा, देखते हैं कि नोकिया क्या करता है, कैसा लॉन्च करता है अपने इस नोकिया X7 को, और इस फोन में क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।